नमस्कार, वीआईपी इंडिया के हिंदी ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज के विषय है डीएलएड शिक्षा दिग्दर्शन से द्वितीय सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन अध्याय 11 स्थल मंडल धरातल के रूप में बदलने वाले कारक बाह्य बल अनाच्छादन। तो ऐसे हिंदी ऑडियो आर्टिकल सुनने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जो कि डीएलएड बीटीसी के बारे में ही ऑडियो आर्टिकल तैयार किए जाते हैं तथा परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ही इस ऑडियो आर्टिकल में दिए जाते हैं तथा दोहराए जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं अगला प्रश्न, जो बीटीसी 2016 में तथा 15 में दोनों पूछा गया है। तो इसके लिहाज से यह इम्पोर्टेंट भी है। पृथ्वी को भू प्रॉपर्टी के नीचे अधस्तर में तीन परतें कौन कौन सी है? तो भू प्रॉपर्टी, मेंटल कोर, जिसको क्रोड भी कहते हैं। अगला प्रश्न कैसे पूछा गया था 2015 में? पृथ्वी के अधस्तर में कितनी परतें हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो संक्षेप में भी बताया जाएगा तो तीन ही होते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग को तीन मुख्य परतों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर एक भू प्रॉपर्टी, नंबर दो मेंटल, नंबर तीन कोर, जिसको क्रोड कहते हैं। तो पहले में आता है भू प्रॉपर्टी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भू प्रॉपर्टी कहते हैं। यह परत अन्य परतों की तुलना में पतली मानी जाती है। इसकी औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। पर्वतों के नीचे यह अधिक मोटी है और महासागरों के नीचे इसकी मोटाई अपेक्षाकृत कम है। अगला है दूसरा मेंटल। भू प्रॉपर्टी के नीचे की परत जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, मेंटल कहलाती है। मेंटल ठोस शैलों से निर्मित है। तीसरा है सबसे अंदर वाला कोर, जो सबसे लास्ट में, यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है जो कि निकिल तथा लोहे जैसे खनिज तत्वों से निर्मित है। इस परत के दो भाग हैं, बाह्य एवं आंतरिक कोर। जहां एक ओर बाह्य कोर तरल अवस्था में है, वही दूसरी ओर आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। और आगे है पृथ्वी की आंतरिक रचना व परतें के बारे में बताइए। तो शियाल, सीमा एवं नीफे के बारे में भी इसमें चर्चाएं होंगी। तो जान लेते हैं, परमाणु एवं अन्य विशिष्ट तथ्यों के आधार पर अनेक विद्वानों ने भूगर्भ को उसकी संरचना के अनुसार कई परतों में विभाजित किया है, जो कि निम्न प्रकार से है। श्वेस का मत है श्वेस ने आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व पहली बार भूगर्भ की ऊपरी स्थल मंडल की तीन परतें में बांटा था। तो सियाल, सीमा, नीफे, यही तीन परत हैं। तो सियाल को भू प्रॉपर्टी कहते हैं, सीमा को मेंटल कहते हैं, नीफे को कोर कहते हैं। तो सियाल के बारे में जान लें। सियाल तो यह ऊपरी परत अवसादी चट्टानों की परत के ठीक नीचे की परत है। यह परत में सियाल एवं एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण ही इसे सियाल कहते हैं, यानी Si+Al कहा गया है। इसमें थोड़ी मात्रा में सिलिकेट तथा ग्रेनाइट चट्टानों भी मिलती है। और आगे सीमा के बारे में, तो सीमा प्रथम परत सियाल के नीचे, यह परत सर्वत्र फैली है। इसकी परत से ही ज्वालामुखी एवं मैग्मा की उत्पत्ति होती है। इसकी रासायनिक संरचना मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से होने से इनका नाम सीमा रखा गया है। और आगे है नीफे। स्वेस के अनुसार भू क्रोड केंद्र की अंतिम परत कठोर धातु वाली, इसमें निकिल एवं फेरियम यानी लोहा की अधिकता होने से इसका नाम नीफे पड़ा है। इसके पश्चात वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकारक होम्स एवं वांडरग्राफ्ट का है। दोनों द्वारा वर्णित परतें लगभग समान है। अब जान लेते हैं सार्वभौमिक या पटल निरूपण शक्तियाँ। पृथ्वी का तल अपने भू वैज्ञानिक कालों में हमेशा ही समान नहीं रहता है। इसमें अनेक प्रकार से निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं। इसी कारण जहाँ आज अरावली की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ कभी विशाल हिमालय जैसे पर्वत एवं जहाँ आज गंगा सिंधु का मैदान है, वहाँ कभी सागर हुआ करता था। इसी भांति महाद्वीपों की स्थिति भी आज के जैसा नहीं थी। यह भी परिवर्तन पृथ्वी के गर्भ या भीतरी भागों में क्रियाशील उन विशेष शक्तियों का प्रभावी परिणाम है, जिनमें भू संचरण व पटल विरूपण होता रहता है।
इसी भांति भूगर्भ के यकायक उत्पन्न की स्थिति बनने से भूतल पर भूकंप, ज्वालामुखी आदि तत्काल प्रभावी हो जाते हैं। भूगर्भ में चूंकि यह क्रियाएं निरंतर कार्यरत रहती है, अतः इनके बारे में प्रत्यक्ष कोई जानकारी तत्काल नहीं मिल पाती। सिर्फ अनुभव एवं पूर्व के परमाणु तथा विशेष शक्तियों को व्यवहार स्वरूप की समझ कर ही उनकी व्याख्या की जाती है। इसी आधार पर सभी प्रकार की आंतरिक शक्तियों का यहाँ उन्हें स्पष्टता से समझने के लिए संक्षिप्त विवरण एवं उपयुक्त वर्णन दिया गया है। जैसे कि पूर्व के चार्ट से स्पष्ट है कि महाद्वीप तथा महादेशीय संचयन लंबवत गतियों से संबंधित है, अर्थात महादेशीय भू संचलन के प्रभाव से कहाँ पर सतह ऊपरी उठती है एवं कहाँ धसाव हो रहा है, उभरा या ऊपर उठने को उन्जन एवं धसाव को नीचे जाने पे निम्नजन शब्द से समझाया गया है, उन्मजन तथा निम्नजन में अंतर है कि उन्जन का मतलब जो उभरा हुआ है, निम्नजन का मतलब नीचे यानी धसा हुआ है। अब आगे बात करते हैं ज्वालामुखी की क्रियाशीलता का वर्गीकरण कीजिए। भूतल को फोड़कर धुआं, राख, वाष्प एवं गैसों के बाहर निकलने की क्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी एक शंक्वाकार पर्वत है जिसमें भूगर्भ से नली द्वारा उष्ण वाष्प गैसों, लावा तथा अन्य चट्टानी पर्वतों का प्रवाह धरातल पर होता है। ज्वालामुखी की तात्पर्य केवल उस छिद्र या दरार से है जिसके द्वारा भूगर्भ से लावा, गैस, वाष्प एवं राख आदि पदार्थ समय पर बाहर निकलने रहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की नली को ज्वालामुखी नली और छिद्र या मुख को ज्वालामुखी का या फिर क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के कारण हैं। ज्वालामुखी के निम्न क्रियाएं प्रमुख हैं, भूतापीय एवं रासायनिक प्रतिक्रियाओं एवं विघटनात्मक के कारण पृथ्वी के गर्भ में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है जिससे भूगर्भ के पदार्थ या आयतन बढ़ जाता है और वे बाहर निकलने की सतत प्रयत्नशील रहते हैं। भूगर्भ की गैसों तीव्र ताप के कारण तरल हो जाती है, तरल होने के साथ ही उनका आयतन बढ़ जाता है और वे बाहर निकलने का प्रयास करती है जिसके परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद गैसों तरल, लावा, पृथ्वी की हलचल और मैग्मा पर गैसों एवं वाष्प का दबाव पड़ने से फैलती है और लावा को ऊपर फेंकती है जो उद्गार के साथ जल वाष्प और राख के साथ निकलता है। उपयुक्त सभी कारणों से लावा वाष्प या गैस पृथ्वी की वलय, भ्रमंश और अन्य हलचलों से पपड़ी जहाँ भी कमज़ोर होती है वहाँ से मैग्मा तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करता है। पपड़ी को तोड़कर बाहर निकलना ही ज्वालामुखी उद्भेदन होता है। भूकंप का अर्थ बताइए, अगला प्रश्न है। भूकंप एक आकस्मिक प्रायः विनाशकारी परिघटना है। इसके कारण जहाँ सैकड़ों मकान धराशायी हो जाते हैं वहाँ अनगिनत व्यक्ति असमय ही कालकवलित हो जाते हैं और कभी-कभी नदियों अपना मार्ग बदल देती हैं भूकंप के कारण। भूकंप शब्द का साधारण अर्थ है पृथ्वी का हिलना। पृथ्वी के गर्भ में होने वाली किसी हलचल के कारण जब धरातल का कोई भाग अचानक हिलने लगता है तो उसे भूकंप कहते हैं। अगला है भूकंप के कारण। तो भूकंप के बारे में एक प्रश्न बीटीसी 2016 में पूछा गया है। भूकंप आने के क्या कारण हैं? भूकंप के समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो भूकंप के कारण पृथ्वी कारण प्राकृतिक कारण है, चट्टानों का हिलना। जब हम किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो पानी की लहरें सभी दिशाओं में फैलने लगती है। इसी प्रकार पृथ्वी के भीतर की चट्टान जब हिलती है तो कंपन पैदा होते हैं जो चारों ओर फैलने लगते हैं। इसी प्रकार चट्टानों के हिलने को ही भूकंप कहते हैं। भूकंप का कंपन केवल भूपटल भाग में ही सीमित रहता है। चट्टानों का हिलना अथवा भूकंप की उत्पत्ति मुख्यतः दो कारण से होती है, जो विवर्तनिक टेक्टोनिक कारण, विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक
कारण पृथ्वी के भीतर अधिक गहराई पर तापमान और दाब बहुत अधिक होता है। कभी-कभी यह दाब इतनी अधिक बढ़ जाता है जिसके कारण गहराई पर स्थित चट्टानें मुड़ने लगती है और अंततः टूट जाती है। चट्टानों के टूटे हुए भाग ऊपर अथवा नीचे की ओर सरक जाते हैं, इसे भ्रंश कहते हैं। एक विशाल भूकंप के आने के बाद पृथ्वी को स्थिर होने में समय लगता है और काफ़ी समय तक हल्के हल्के झटके आते रहते हैं, जिन्हें बाद के झटके यानी आफ्टर शॉक कहते हैं। प्लेट यानी टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक एक दूसरा विवर्तनिक कारण है। और भी पृथ्वी के पटल को 12 प्लेटों का बना हुआ माना गया है। यह प्लेटें सरकती रहती हैं और कभी कभी दूसरी प्लेटों से टकरा भी जाती है, अतः इन प्लेटों को टकराने से भी भूकंप आते हैं। अविवर्तनिक कारण भूकंप की उत्पत्ति के आवर्तनिक कारण यानी नॉन टेक्नो टेक्नो कारण भी होते हैं। जब ज्वालामुखी से उद्गार निकलते हैं तब भी पृथ्वी की सतह पर कंपन होते हैं। इसके अतिरिक्त चट्टानों के खिसकने यानी लैंडस्लाइड्स, बम फटने ब्लास्टिंग अथवा भारी वाहनों और रेलगाड़ियों की तीव्र गति से भी कंपन पैदा होते हैं, किंतु इस प्रकार के भूकंप बहुत हल्के होते हैं। तेज से तेज ज्वालामुखी भूकंप एवं मध्य विवर्तनिक भूकंप से हल्का होता है। प्रकृति स्थिति के अनुसार भूकंपों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्थलीय भूकंप, दूसरा है सामुद्रिक भूकंप। तो स्थलीय भूकंप, स्थल भूकंप पर आने वाले भूकंपों को स्थलीय भूकंप कहते हैं। सामुद्रिक भूकंप ऐसे भूकंप जो समुद्र में तथा समुद्र के तटीय भागों में उत्पन्न होते हैं। तटीय भागों में कभी कभी समुद्र का गारों तक पहुंच जाते हैं। भूकंप से बचाव, कैसे बचे भूकंप से? भूकंप एक गति तीव्रगामी विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। इसके आने पर काफ़ी जन धन की हानि होती है। अधिकतर लोग भवन के मलबे के नीचे दब कर मर जाते हैं, क्योंकि स्थानीय भवन मकान भूकंप विरोधी नहीं बनाए जाते भूकंप रोधी नहीं बनाए जाते। भूकंप से बचने के निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप हों तो भूकंप के आने के समय स्कूल भवन से तुरंत बाहर भागकर खुले स्थान पर जाना चाहिए, भवन से दूर खड़े हो जाएं। यदि आप नगर कस्बा क्षेत्र में हो तो किसी मेज, तख्ता या अन्य ठोस वस्तु के नीचे छिप जाएं। ध्यान यह भी रखें कि खिड़की, अलमारी या भारी वजनी वस्तु या पंखे के नीचे अथवा बगल में छुपना चाहिए। अगर मकान बहुमंजिली है तो मकान से बाहर निकलकर सिर को हाथ से तकिया से ढक लें। यदि आपके पास हेलमेट है तो उसे शीघ्र लगा लें। ऐसे समय में लिफ्ट से नीचे नहीं उतरना चाहिए। अब आगे अपक्षय के बारे में जान लें यानी वेदरिंग। अपक्षय से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार का होता है, इस प्रकार के प्रश्न हैं। तो अपक्षय ऋतु द्वारा तथा पौधे की जड़ों के फैलाव के कारण सैलों के टूटने फूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। इस प्रक्रिया को खुली चट्टानों की विघटन और अपघटन अपने मूल स्थानों पर ही होता है। चट्टानों के विघटन में मुख्य रूप से मौसम या ऋतुओं के तत्वों का प्रभाव पड़ता है। तापमान, वर्षा, पाला, कोहरा, हिम आदि मौसम के मुख्य तत्व हैं। इन्हें ऋतु अपक्षयकारी शक्तियाँ भी कहते हैं। धरातल में पड़ी हुई चट्टानों जैसे ही मौसम के तत्वों के संपर्क में आती है वैसे ही उनका अपक्षय होने लगता है। प्रत्येक चट्टान में किसी न किसी खनिज व अंश रहता है जो रासायनिक परिवर्तन से में सहायक है। चट्टानों का विघटन तापमान में परिवर्तन और पाले यानी तुषार के प्रभाव के कारण होता है। चट्टानों के विघटन होने से अनेक टुकड़े और मलबा गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी स्थान पर एकत्र होता रहता है। दिन की गर्मी के कारण चट्टानें फैलती हैं और रात्रि में ठंडे होने के कारण सिकुड़ने में उनमें दरारें पड़ जाती हैं, जो धीरे धीरे चट्टानों की चूर
चूर करती जाती हैं। चट्टानों का विघटन एक यांत्रिक प्रक्रिया है, जबकि अपघटन की प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन है। चट्टानों में खनिजों के कण इस प्रकार गुथे हुए होते हैं कि उनका अस्तित्व नज़र नहीं आता है, लेकिन जब पानी गिरता है तब चट्टानों के कुछ खनिज बहकर चले जाते हैं और कुछ खनिजों का रूप बदल जाता है। इस प्रकार प्रकृति में विघटन यानी टूट फूट और अपघटन यानी घुलन की क्रियाएं साथ साथ अपने ही स्थान पर चलती है। इस क्रिया में ऋतुओं का सहयोग रहता है, अतः इसे ऋतु अपक्षय भी कहते हैं। अपक्षय के प्रकार हैं जो तीन प्रकार में होती हैं। अपक्षय यानी भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय। तो इन तीनों के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो भौतिक अपक्षय, जब सेल या चट्टानों किसी भौतिक कार्य को जैसे वर्षा, सौर ताप, पाला, पवन आदि के प्रभाव से टूटती रहती है तो उसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। जब तापमान अत्यधिक होता है तब चट्टानों को फैलने लगती है, जब ताप एक बार गिर जाता है तब चट्टानें सिकुड़ने लगती है। और आगे रासायनिक अपक्षय, सेल रासायनिक क्रियाओं जैसे घोल, ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, जल शोषण आदि के द्वारा भी निरंतर टूटते फूटते रहते हैं। रासायनिक क्रियाओं के कारण चूना, चिप्स, गंधक, सेंधा, नमक की चट्टानों जल में घुल जाती है या गल जाती है अथवा जंग खा जाती है। आगे है जैविक अपक्षय के बारे में। सैलों पर जैव तत्वों जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षियों तथा मानव आदि का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। डैम आदि बनाते समय मनुष्य का काफ़ी लंबे चौड़े भागों के सैलों व बारूद से उड़ाकर तोड़ फोड़ कर देते हैं। वृक्षों की जड़ें सैलों की संधियों में पहुंचकर उन्हें अधिक चौड़ा कर तोड़ देती हैं। आगे हैं सेल या चट्टाने। यह BTC 2016 में पूछा गया है, सेल किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो सेलें भू प्रॉपर्टी का ऊपरी भाग, स्थल मंडल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ऊपरी 100 किलोमीटर मोटी परत स्थल मंडल कहलाती है। धरातल से 16 किलोमीटर की गहराई तक 95% भू प्रॉपर्टी सेलों की बनी हुई है। चट्टानों का यह सेल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों के मेल से होता है। यह सभी पदार्थ जिनमें भू प्रॉपर्टी का निर्माण हुआ है, चाहे वह ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या चीका, रोड़ी अथवा मिट्टी की भांति नरम एवं मुलायम हो, सेल कहलाती हैं। सेलों का वर्गीकरण। भूपृष्ठ पर अनेक प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, परंतु उनकी मौलिक रचना के अनुसार चट्टानों को तीन भागों में बांटा गया है। चट्टान आग्नेय सेल, अवसादीय रूपांतरिक। तो पहला जान लेते हैं आग्नेय चट्टानों के बारे में। आग्नेय चट्टानें, जब लैटिन भाषा के शब्द इग्नीस से लिया गया है, आग्नेय का मतलब, इसका अर्थ है आग। अतः ऐसी शैलें चट्टानें हैं जिनके निर्माण में पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित गर्म द्रव के ठंडा होने से हुआ है। सभी चट्टानों का मूल पदार्थ गर्म तरल तथा चिपचिपा मैग्मा है, जो भूगर्भित ताप के कारण गहराई से दरारों से होता हुआ धरातल की ओर बढ़ता है। तो रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें कई प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टानें में पहला है अम्लीय आग्नेय चट्टान, दूसरा है क्षारीय आग्नेय चट्टान, अवसादीय चट्टान। अब दूसरी चट्टान के बारे में बात कर लें, अवसादीय चट्टान। इन चट्टानों को परतदार चट्टान भी कहा जाता है। अवसादी चट्टान वे हैं जो विखंडित ठोस पदार्थों के निक्षेपण से बनी होती हैं या जीव जंतुओं और पेड़ पौधे के जमाव से निर्मित होती है। यद्यपि अवसादी सेल भू प्रॉपर्टी के रूप में आयतन का केवल 5% भाग ही होता है, तो भी पृथ्वी के स्थल मंडल के 75% का घेरे हुए हैं। स्पष्ट है कि ये चट्टानें आग्नेय चट्टानों की तुलना में बहुत कम हैं, किंतु पृथ्वी की धरातल पर यह विस्तृत रूप से फैली हुई है। अब बात करते हैं रूपांतरिक चट्टानें यानी कि कायांतरिक चट्टानें।
वे चट्टानें जो अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तित द्वारा बनी होती है कायांत्रिक यानी आग्नेय चट्टानें कहलाती है। आग्नेय रूपांतरिक चट्टानें कहलाती हैं। रूपांतरिक चट्टान तापमान दबाव अथवा रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उनके रूप बनावट कठोरता तथा खनिज का रूपांतरण हो जाने के परिणाम स्वरूप बनती है। रूपांतरिक का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन। रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें सामयिक शैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। अपरदन चक्र क्या है यह प्रश्न है। अपरदन चक्र तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। अपरदन अपक्षय के साथ साथ वाह्य अनाच्छंदकारी शक्तियां धरातल को समतल करने के लिए निरंतर क्रियाशील रहते हुए अपरदन परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती है। यह क्रिया अपरदन चक्र कहलाती है। नदियां समुद्री लहरें वायु भूमिगत जल आदि तल संतुलन के प्रमुख कारक हैं। जब संतुलन की प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित किया जाता है निम्नांकरण तथा उच्चयन। अपरदन की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों को घिस कर काट कर अथवा खुरच कर उनको अपने मूल स्थान से हटा दिया जाता है। इससे ऊंचे स्थान धीरे धीरे नीचे हो जाते हैं। प्रक्रिया निम्नांकरण कहलाती है। कभी कभी वायु वर्षा आदि के द्वारा अपरदित पदार्थ गड्ढों में भर जाते हैं। जैसे गड्ढे भरते जाते हैं उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को अधिवृद्धि अथवा उच्चयन कहते हैं। तो यह चित्र द्वारा भी दिखाकर समझाया जा रहा है। अब बात करते हैं परिवहन। ऊंचे स्थान से विघटित एवं अपघटित पदार्थों को नीचे भागों तक ले जाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। निक्षेपण निचले क्षेत्र का गड्ढे में पदार्थों के जमा रहने को निक्षेपण कहते हैं। तल संतुलन कारक के रूप में विभिन्न कारकों के कार्य यानी कि हिमानी ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्रों और उच्च पर्वत श्रेणियों में बर्फ के अस्थायी आवरण पाए जाते हैं। जब यहाँ बर्फ और हिम के ढेर नदी की तरह गतिशील हो जाते हैं तो इन्हें हिमानी कहते हैं। जिस सीमा के ऊपर सदैव हिम और बर्फ जमी रहती है उन्हें हिम रेखा कहते हैं। विषुवतीय प्रदेशों में हिम रेखा 5,000 मीटर से 5,500 मीटर पर पाई जाती है। ध्रुव प्रदेशों में अस्थायी हिम क्षेत्र समुद्र तल पर मिलते हैं। हिमानी के कार्य हिमानी अपरदन स्थानांतरण या परिवहन और विक्षेपण आदि तीनों प्रकार के कार्य करती हैं। जब हिमानी पहाड़ों के ढलान से नीचे की ओर खिसकती है तो यह अपने नीचे की भूमि का अपरदन करते हुए यू आकार की घाटी का निर्माण करती है। यह आगे बढ़कर अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों को ले जाती है। हिमानी जब पिघलती है तो नदी को जन्म देती है और पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों को इधर उधर बिखेर देती है। यह इसका विक्षेपण का कार्य है। हिमानी अपने साथ जो अवसाद बहाकर ले जाती है और कहीं जमा कर देती है उसे हिमोड़ कहते हैं। इस प्रकार हिमानी तीनों प्रकार के कार्य करती है। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न में। अति लघुत्तरीय प्रश्न में छोटे छोटे प्रश्न हैं। तो अपक्षय क्या है। शैलों का अपने स्थान पर विघटन यानी टूटना फूटना और वियोजन की क्रिया द्वारा बिखर जाना अपक्षय कहलाता है। अपक्षय कितने प्रकार का होता है। अपक्षय मूलतः तीन प्रकार की होती है। भौतिक अपक्षय रासायनिक अपक्षय तथा जैविक अपक्षय। अगला प्रश्न है जो BTC 2016 में पूछा गया है। भू अस्खलन से क्या तात्पर्य है। भू पृष्ठ पर शैलों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढाल की दिशा में खिसकना आरंभ कर देते हैं। तीव्र एवं खड़े ढालों पर अपक्षयित पदार्थों के आकस्मिक रूप से खिसकने की क्रिया भूस्खलन कहलाती है। डेल्टा क्या है। अगला प्रश्न है। नदी के मुहाने के निकट मिट्टी के बारीक कणों के
जमा होने से जो एक त्रिभुजाकार स्थल का निर्माण होता है उसे डेल्टा कहते हैं। जैसे सुंदरवन है बांग्लादेश में। भूमिगत जल से क्या तात्पर्य है? वर्षा का वह जल जो भूमि द्वारा अवशोषित सोख कर लिया जाता है भूमिगत जल कहलाता है। हिमानी कितने प्रकार के होते हैं? हिमानी 3 प्रकार की होती है, महाद्वीपीय हिमानी, पर्वतीय हिमानी, घाटी हिमानी। समुद्री लहरों द्वारा निर्मित किन्हीं 2 स्थलाकृत के नाम लिखिए। समुद्री लहरों द्वारा 2 स्थलाकृत निर्मित नाम पुलिन तथा लैगून को कहते हैं। पुनील पुनील तथा लैगून। और अगला प्रश्न है, आंतरिक शक्ति से आप क्या समझते हैं? आंतरिक शक्तियों का जन्म भूगर्भ में अचानक होता है, इनके कारण पृथ्वी का ज्वालामुखी विस्फोट होता है तथा भूकंप आते हैं। अभिनति और अपनति क्या है? मुंडी तथा वल्य सेल के ऊपरी उठे हुए भाग अपनति तथा नीचे धसे हुए भाग अभिनति कहलाते हैं। ज्वालामुखी उद्भेदन के 2 कारण लिखिए। ज्वालामुखी उद्भेदन के 2 कारण निम्न हैं, भूगर्भ में गैसों की उत्पत्ति तथा भूप्लेटों का खिसकना। ज्वालामुखी किन्हीं 2 मेखलाओं के नाम लिखिए। ज्वालामुखी के 2 मेखलाएँ निम्न हैं, परिप्रशांत महासागरीय मेखला तथा अंध महासागरीय मेखला। भूकंप से क्या तात्पर्य है? जब आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी की सतह अचानक कंपित होती है तो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप मापी यंत्र का नाम। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को भूकंप लेख यानी सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप नापने का यंत्र है। भूपटल पर परिवर्तन करने वाले प्रक्रियाओं को कितने वर्गों में रखा जा सकता है? भूपटल की परिवर्तन करने वाली प्रक्रियाओं को 2 वर्गों में रखा जा सकता है, बाह्य प्रक्रियाएं तथा आंतरिक प्रक्रियाएं। तल संतुलन की प्रक्रिया का क्या अभिप्राय है? तल संतुलन की प्रक्रिया द्वारा धरातल पर समतल स्थापना अर्थात ऊंची नीचे को कम करने का प्रयास किया जाता है। तल संतुलन की प्रक्रिया कौन कौन से 2 कार्य हैं? तल संतुलन की प्रक्रिया निम्नलिखित अधिवर्धन नामक 2 कार्य करती हैं। तल संतुलन के प्रमुख कारकों के नाम, नदियाँ, हिमानंदीय पवने तथा लहरें तल संतुलन के प्रमुख कारक है। सत्वाहिनी तथा असतत्वाहिनी नदियों से में क्या अंतर होता है? सत्वाहिनी नदियों में पूर्व वर्ष भर जल रहता है, असतत्वाहिनी नदी शुष्क ऋतु में सूख जाती है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र में के डेल्टा का नाम, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का नाम सुंदरवन है। नदी द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? नदी द्वारा अपरदन, परिवहन तथा नीचे पर 3 कार्य किए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदी द्वारा किया जाता है। आग्नेय शैलों को प्राथमिक शैलों की कहते हैं शैलें। इन शैलों का निर्माण पृथ्वी पर सबसे पहले हुआ है तथा इन्हीं शैलों से अवसादीय एवं कायांतरिक शैलों का निर्माण होता है, अतः इन्हें प्राथमिक शैलें कहते हैं। हिमरेखा से क्या अभिप्राय है? किसी पर्वत या उच्च भूमि पर वह कल्पित रेखा जिसके ऊपर सदैव बर्फ जमी रहती है वह अस्थाई हिमावरण की निम्नत सीमा होती है। हिमनद किसे कहते हैं? हिमाच्छादित प्रदेशों में गतिशील हिम राशियां या बर्फ की नदियों को हिमनद कहते हैं। हिमनदियां कितने प्रकार की होती हैं? हिमनदियाँ 3 प्रकार की होती है, महाद्वीपीय हिमनद, पर्वतीय हिमनद तथा घाटी हिमनद। हिमोड़ या मोरेन किसे कहते हैं? हिम नदी द्वारा बहाकर लाए गए अपरदी अवसाद हिमोड़ तथा मेरोन कहलाते हैं।
हिमोड़ कितने प्रकार के होते हैं? हिमोड़ चार प्रकार के होते हैं, अंतस्थ हिमोड़, पार्श्ववर्ती हिमोड़, मध्यवर्ती हिमोड़ तथा तलस्थ हिमोड़। हिम नदी का कार्य क्षेत्र किन प्रदेशों तक सीमित रहता है? हिम नदी का कार्य ध्रुवी एवं महाच्छिद्रित पर्वतीय प्रदेशों की सीमित रहता है। हिम नदी द्वारा निर्मित किन्हीं दो स्थलाकृति के नाम लिखिए, युवकार की घाटी, हिमजकहर। पवन के अपरदन कार्य द्वारा बनी किन्हीं तीन भू आकृतियों का नाम, छत्रकशिल, भू स्तंभ एवं इंसलेवर्क। पवन के अपरदन सियाल परत में किन तत्वों की प्रधानता होती है? सियाल में सिलिका एवं एल्युमिनियम तत्वों की प्रधानता होती है, तो इन सबके नाम से ही पता चल जाता है। लोएस का मैदान किसे कहते हैं? पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए धूल कणों के निक्षेपण से बने मैदान को लोएस मैदान कहते हैं। लोएस के मैदान का कोई एक उदाहरण चीन का लोएस मैदान। बरखार किसे कहते हैं? अर्ध चंद्राकार बालू के टीलों को बरखान कहते हैं। पवनों का अपरदन कार्य किन प्रदेशों में बहुत महत्वपूर्ण होता है? पवनों का अपरदन कार्य मरुस्थल प्रदेशों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। डेल्टा और रेत के टीले किन अभिकर्ता द्वारा निर्मित किए जाते हैं? डेल्टा नदी द्वारा, रेत के टीले पवन द्वारा। निम्नलिखित भू आकृतियों से संबंधित अभिकर्ताओं के नाम, वी आकार की घाटी नदी द्वारा, यू आकार की घाटी हिमनद द्वारा। भृगु क्या है? समुद्र तट पर पाई जाने वाली खड़े ढाल वाली चट्टानों को भृगु कहते हैं। पुलीन किसे कहते हैं? पुलीन समुद्र तट के साथ साथ लहरों द्वारा अपर्दित पदार्थों के निक्षेपण से बने भूभाग को पुलीन कहते हैं। आंतरिक प्रक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? आंतरिक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, क्षैतिक प्रक्रियाएं ऊर्ध्वाधर प्रक्रियाएं। अभिनति व अपनति क्या है? मूड़ी तथा वलित सैलों के ऊपरी उठे हुए भाग अपनति तथा नीचे धसे भाग अभिनति कहलाते हैं। ब्लॉक पर्वत या खंड पर्वत किसे कहते हैं? दो समांतर ब्रंशों के मध्य ऊपर उठे हुए भूभाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। भारत में कौन सी दो नदियां ब्रंश घाटियों से होकर बहती है? भारत में नर्मदा तथा तापी नदियां ब्रंश घाटियों से होकर बहती है। किसी एक प्रसिद्ध ब्रंश घाटी का नाम, पूर्वी अफ्रीका की भी ब्रंश घाटी विश्व की विख्यात ब्रंश घाटी है। भारत में कौन सी दो नदियां ब्रंश घाटी से होकर बहती है? भारत की नर्मदा तथा ताप्ती नदियां ब्रंश घाटियों से होकर बहती है। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी भू प्रपटी पर बनी वह छेद या दर्रार है जिससे होकर लावा या मैग्मा बाहर निकलता है। लावा क्या है? भूगर्भ की पिघली हुई सैलो लावा या मैग्मा कहलाती है। वीवर या क्रेटर किसे कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत के ऊपरी भाग पर बने कीपनुमा गड्ढे को वीवर या क्रेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है जो बीटीसी 2016 में पूछा गया है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वह होता है जो कभी भी अब बराबर निरंतर कभी काल हलचल में रहते हैं। सुषुप्त यानी कि ज़्यादा दिनों से शांत है पर वो शांत नहीं है। मृत या शांत ज्वालामुखी जो एकदम शांत ही हो गया हो। किन्हीं दो सुषुप्त ज्वालामुखी के नाम लिखिए, सुषुप्त ज्वालामुखी इटली का एटना तथा जापान का प्यूजियामा सुषुप्त ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी क्रिया से होने वाली कोई दो हानियाँ, ज्वालामुखी
उद्गार के समय लावा के फैलने से सभ्यता का नष्ट होना, ज्वालामुखी उद्गार के समय आए भूकंप के अपार धन जन की हानि का होना, भूकंप उद्गम केंद्र या भूकंप मूल की किसे कहते हैं, भूगर्भ से जहाँ भूकंप तरंग पैदा होती है वह स्थान भूकंप मूल कहलाता है, भूकंप अधिकेंद्र क्या है, भूकंप मूल से ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। विश्व में अधिकांश भूकंप किन क्षेत्रों में आते हैं? विश्व में अधिकांश भूकंप नवीन वलित पर्वत श्रेणी के क्षेत्रों में आते हैं। ये क्षेत्र चट्टानों की दृष्टि से प्रायः अस्थिर होते हैं। अब लगातार प्रश्न है जो BTC 2015 और 16 में पूछे गए हैं, तो 15 में पूछे गए हैं। स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो लाल व भूमध्य सागर स्वेज नहर जोड़ती है। सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो सेल 3 प्रकार के होते हैं, जैसे पहले बताया गया है, यह भी 15 पूछा गया है। आग्नेय सेल, अवसादी सेल, रूपांतरिक यानी कायांत्रिक सेल। अगला है जो 15 पूछा गया है, पेंजिया किसे कहते हैं? भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होते हैं उसे पेंजिया कहते हैं। अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग, यह भी 15 पूछा गया था। अगला है जो 15 पूछा गया है, आग्नेय सेल के उदाहरण बताइए, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। अगला है जो 16 पूछा गया है और लास्ट प्रश्न है, आग्नेय सेल की विशेषताएं। आग्नेय सेल पृथ्वी पर बनने वाली प्रारंभिक चट्टानें हैं। इनका निर्माण द्रव पदार्थ यानी मैग्मा के ठंडे होने से ठोस अवस्था में बदलने से हुआ है। इन चट्टानों का निर्माण अतीत में उस समय हुआ जबकि पृथ्वी पर कोई जीव अथवा वनस्पति नहीं थी। इन चट्टानों को निम्न विशेषताएं हैं, ये चट्टान जीव जंतु एवं वनस्पति रहित हैं, ये रवेदार चट्टाने हैं, ये कठोर एवं अपारगम्य चट्टाने हैं, इन चट्टानों में परतें नहीं होती हैं, ये चट्टाने संघन होती है। तो ऐसे ही ऑडियो आर्टिकल सुनने हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद।